सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए कि ताकि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पाव भाजी की रेसिपी। तो पाव भाजी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कैसे बनाना है, तो चलिए जल्दी से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पाव भाजी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये है कैप्सिकम और ऑनियन, बॉयल आलू और कैरेट, टोमेटो प्यूरी, बटर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, पाव भाजी मसाला, ब्लैक पेपर और यह है रेड चिल्ली पाउडर कलर वाली, हल्दी। यहाँ पर मैंने आलू और कैरेट को एक साथ लेके मैं मैश कर लूँगी अच्छे से। और अच्छे से ये देखिए, ये आलू और गाजर दोनों जो बॉईल थी उनको मैंने मैश कर लिया है। यहाँ मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है। अब इसमें डाल दूँगी सबसे पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसके बाद मैं डाल दूंगी सारे ऑनियन, इनको मिला लूंगी। अब डाल दूंगी इसमें कैप्सिकम, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ डाल दिया पाव भाजी मसाला, हल्दी, बटर का एक टुकड़ा डाल दिया है। अब डाल देंगे ये रेड चिल्ली पाउडर जो कलर वाली है, और साथ में काली मिर्च का पाउडर, और ये डाला टोमेटो प्यूरी, नमक स्वाद अनुसार, नींबू का रस। तो ये देख सकते हैं आप, सब चीज़ें मैं मिक्स करती जा रही हूँ। और इनको 10 मिनट के बाद पकने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू कैरेट जो मैश की हुई थी। और यहाँ पे मैंने अब डाल दिया है पानी, ये पानी मैंने बॉईल हुआ लिया है। और ये देखिए, अच्छे से इसको अब 10 से 15 मिनट तक पका के मैंने कल पकाया था, तो रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पाव मैंने सेक लिए हैं और पाव भाजी रेडी हो गई है। थैंक यू।